देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित रामकथा दिनांक 2 से 10 दिसंबर स्थान निवादा के निमित्त श्रद्धेय आशीष भैया संस्थापक अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन एवं राठ विधायक मनीषा अनुरागी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयंती राजपूत व शिव शंकर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा जिला संयोजक अभिषेक तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रेस वार्ता की गयी जिसमें निवादा में होने वाली रामकथा की चर्चा की गयी। आज दिनांक 28/11/2023 दिन मंगलवार समय दोपहर 12 बजे स्थान वीरांगना झलकारी बाई सभागार हमीरपुर में संपन्न हुई जिसमें सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंद उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अरविंद श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। उद्घाटन सत्र 12 बजे भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ रहने वाले आगे फिर किसी दिन हमारे गवर्नर साहब आएंगे 4 तारीख को हिमाचल भवन अस्पताल में शुक्र रहेंगे। समापन में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। ऐसे देशभर के जो प्रेम सेवा मिशन आध्यात्मिक जगत के लिए आचार महामंडल पर कई जो प्रशासनिक राजनीतिक और इसके साथ ही श्री राम महायज्ञ देश भर से और प्रदेश भर से जुड़े लोग आए लेकिन खासतौर पर प्रदेश के लोगों ने आह्वान किया है और हम लोगों ने निवेदन किया है कि वो सब लोग आए और सेवा भारत से जुड़े। अभी जैसे 2-3 दिन से मैं कर रही जानकारी मिली प्रशासन के द्वारा या आप सबके द्वारा प्रतिदिन 4-3-4 आत्महत्याएं जिले में होती है नौजवान कर रहा है। अभी कुछ गांव में निमंत्रण लेकर के भ्रमण के लिए निकला तो हर 10-20 घर बाद एक दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है। कुष्ठ रोगियों की सेवा के साथ आध्यात्मिक जगत में जन जागरण के लिए देश और विदेश में काम करता है। देश भर में विदेश भर में काम करने के बाद अपने जन्म स्थान हमीरपुर आए हैं। वहाँ पर पूज्य संत विजय कौशल जी महाराज जी के श्री मुख से आगामी 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक से राम कथा है। प्रतिदिन दिन में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। साथ में श्री राम महायज्ञ है। प्रथम दिन उद्घाटन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी रहेंगे। बीच में हिमाचल के गवर्नर हम 4 तारीख को शिव प्रताप जी शुक्र रहेंगे। शंकराचार्य जी रहेंगे तो आचार्य महामंडल सुरभद्र कैलासानंद जी रहेंगे। समापन में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके भी आने की सूचना है। हम देश प्रदेश और खासतौर पर बुंदेलखंड के आध्यात्मिक धार्मिक जनमानस निवेदन करेंगे सेवा के अनुष्ठान से जुड़े और हम आशीर्वाद दें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।